ये है एप्सन का L130 प्रिंटर। इस प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रॉब्लम आ रही है, ब्लैक प्रिंटिंग। तो प्रिंटर ऑन कर दिया है, चलिए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर ने बोला है कि फ़ोटो बिल्कुल सही नहीं आ रही हैं। ये हमने नोजल चेक दे दिया है, ये इसमें कलर वाले जो हैं वो आ रहे हैं और ब्लैक का एक भी डॉट नहीं आ रहा है। ब्लैक प्रिंटिंग में कुछ भी नहीं छाप रहा है। तो चलिए देखते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ये पेंच लगे होते हैं दोनों ऊपर, तो उनको खोलेंगे। यहाँ इस साइड में लगे होते हैं, यहाँ पे L130 प्रिंटर है। एक ये यहाँ पे लगा है, एक यहाँ कोने में लगा होता है। इसको कवर खोलने के लिए यहाँ पे लॉक लगी होती है, तो इसमें कुछ लगाना है, ये ऐसे ये खुल जाएगा। और दूसरी साइड भी ऐसे लॉक लगे होते हैं इसमें। यहाँ पे जो हल्का ये दिख रहा है ना, इसमें लगाना है, ऐसे ऊपर की तरफ उठा देना है, लॉक लगा होता है, ये निकल जाएगा। ये प्रिंटर ओपन हो गया है, कवर हटा दिया है हमने। ये गियर घुमा के हेड को बीच में लाना है। ये यहाँ पे एक पेंच लगा होता है, उसको निकालेंगे, उसके बाद में ये कवर ऐसे खुल जाता है आसानी से। इसमें जो ब्लैक एडॉप्टर है इसको निकाल के देखेंगे, इंक कम है तो इसको खींच लेंगे इंजेक्शन से। बारी बारी से देख लेंगे जो आपके में कम हो, उसको यहाँ पे इंक भरना है इंजेक्शन से। वापस पैक कर देना है। प्रिंटिंग का जो एकदम से बढ़िया क्लीन करता है वो यहाँ जो ये पाइप पीछे है, इसमें इंजेक्शन लगा के खींचना होता है और इसमें इंक आना चाहिए, तभी ये प्रिंटिंग का प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि इंक नहीं आती है, तो उससे प्रिंटिंग सही नहीं होगा। तो अभी देखते हैं। ये अभी इंक आई नहीं है, दोबारा फिर लगाते हैं। फिर लगाया हमने है दोबारा से। ये साथ में ये गियर घुमाना भी होगा, घुमाना पड़ता है। अब खींचेंगे, अब आ गई इंक जी, बस इतनी इंक आनी चाहिए। फिर वापस वैसे इसको लगा देंगे यहाँ पे, जो ये पाइप यहाँ पे वेस्टेज के लिए जाता है इंक। फिर लगा देंगे, केबल लगा के एक बार चेक कर लेते हैं इसको ऐसे ओपन में ही, कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं। ये ऑन कर दिया प्रिंटर हमने,
तो पेपर लगाएंगे और वही नोजल चेक करेंगे इसमें भी। प्रिंटर रेडी हो जाएगा तब। ठीक है, प्रिंटर रेडी होने वाला है। क्लीनिंग उठा लिया था इसलिए थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा। ठीक है, अब लाइट रुक गई है, अब इसको नोजल देते हैं कंप्यूटर से। जी, प्रिंट तो किया है। ठीक है, प्रिंटिंग तो ब्लैक वाली जो है आ गई है, लेकिन थोड़ी लाइनिंग है, एक दो बार हेड क्लीन करेंगे सही हो जाएगा। तो इस सीरीज़ में कोई सा भी प्रिंटिंग का प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही सही करना है हमें। तो प्रिंटर ऑफ कर दिया है, वापस पैक करेंगे वैसे ही जैसे ओपन किया था, वैसे ही पैक करना है। ऊपर से पैक करने में आसानी है, ऊपर से रख देंगे, पेंच लगाना है बस। बाकी प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है, प्रिंटिंग जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। ये ऊपर से ऐसे रख देंगे और नीचे की तरफ हल्का सा दबा देंगे, बस सेट बैठ जाएगा। मेरे वीडियो से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, ऑन करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रेड लाइट तो नहीं है। थैंक्स टू वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करें भाई।